नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति, शुरुआत हेडलाइंस के साथ। न्यू इंडिया के लिए 200 से ज्यादा युवा उद्यमियों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री। कारोबार की प्रक्रिया आसान बनाने के उपायों पर होगी चर्चा, कौशल विकास पर होगा खास ध्यान। नई मेट्रो रेल नीति को कैबिनेट से मंजूरी, देश भर की परियोजनाओं के लिए समान मानक, निजी निवेश से राशि जुटाई जाएगी। दिल्ली में साझा विरासत बचाओ सम्मेलन आज, शरद यादव की अगुवाई में 18 विपक्षी दल होंगे शामिल, राहुल गांधी और सीताराम येचुरी समेत कई दिग्गज नेता कर सकते हैं शिरकत। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही, 14 जिलों में 96 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में, 20 अगस्त तक पूर्वोत्तर जाने वाली ट्रेनें रद्द। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बड़ी कामयाबी, हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन घोषित, किसी तरह के संबंध रखने पर होगी पाबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नव भारत निर्माण पर सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप्स और देश के युवा उद्यमियों से बातचीत करेंगे। रोजगार के अवसर, आमदनी बढ़ाने और कारोबार की प्रक्रिया आसान बनाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री देश भर के 200 से ज्यादा युवा उद्यमियों से रूबरू होंगे। वो 6 अहम सेक्टर के बारे में युवा उद्यमियों से विचार विमर्श करेंगे ताकि देश का सतत विकास को हासिल किया जा सके। इसमें 2022 तक नव भारत निर्माण, डिजिटल इंडिया, टिकाऊ ऊर्जावान भविष्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान होगा। केंद्र सरकार ने कल नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी। इसमें देश भर की मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए एक समान मानक तय किए जाएंगे। निजी निवेश और राशि जुटाने के दूसरे तरीकों को अब मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए अनिवार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में नई मेट्रो रेल नीति को मंजूरी दे दी गई। इसका मकसद देश भर के अलग अलग शहरों में मेट्रो की जरूरतों को पूरा करना है। फिलहाल देश के 7 शहरों में 370 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 12 शहरों में 570 किलोमीटर में मेट्रो का निर्माण चल रहा है और करीब 600 किलोमीटर के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट का प्रस्ताव विचाराधीन है। एक सिस्टम अप्रोच होगी, इसमें कोई एडहॉक सैंक्शंस नहीं होंगे। सीएमपी, इंटरमॉडल इंटीग्रेशन, ऑल्टरनेट एनालिसिस क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहां जरूरत है, उसका एक रिगरस अप्रेजल बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, इकोनॉमिक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के उद्योगों के लिए मार्च 2027 तक कर प्रोत्साहन का विस्तार कर दिया गया है। तो सनसेट क्लॉज है इन एग्जेम्पशंस की, इसको 31 मार्च 2027 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 2017-18 के दौरान सिंचाई निधि के लिए जरूरत के हिसाब से 9020 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने की मंजूरी दे दी है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अब देश के पेट्रोल पंपों पर एलईडी उत्पाद भी बिकेंगे। ईईएसएल और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के बीच कल ये करार हुआ। इस मौके पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। उजाला योजना के तहत ये पहल की गई है। पेट्रोल पंपों पर 9 वॉट का एलईडी बल्ब 70 रुपए, 20 वॉट की ट्यूबलाइट 220 रुपए और 5 स्टार रेटेड सीलिंग पंखा 1200 रुपए में मिलेगा। जब आजादी को 75 साल पूरे होगा तब तक देश की नेट एनर्जी इंपोर्ट 10% हमें घटाना है। ये सस्ते उपक्रम, बल्ब हो, फैन हो, ट्यूबलाइट हो, ये जनता तक पहुंच पाए, और मैं समझता हूं इतना बड़ा मार्केटिंग नेटवर्क शायद ही और किसी के पास इस देश में होगा जितना बड़ा इन 3 कंपनीज के पास और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के पास है। कश्मीर पर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के बयान का जम्मू कश्मीर में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उदारवादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज फारूक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी का मानना है कि ये घाटी की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर समस्या का हल कश्मीरियों को गले लगाने से ही निकलेगा। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है, और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का जम्मू कश्मीर में स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बयान जारी कर कहा कि उनका हमेशा से मानना है कि मुद्दों का समाधान वार्ता और शांतिपूर्ण तरीके से ही किया जा सकता है। करीब 15 साल पहले हमारी पार्टी ने नारा दिया था कि बंदूक से न गोली से बात बनेगी बोली से, जो आज भी प्रासंगिक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण का घाटी के लोगों ने जोरदार स्वागत किया है, लेकिन इस पर काम होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री का ये कथन आतंकवादी और सुरक्षा बल दोनों पक्षों के लिए है। उदारवादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने भी प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि गोली और गाली की जगह मानवता और न्याय ले ले तो कश्मीर मुद्दे का समाधान हकीकत बन जाएगा। कांग्रेस का भी कहना है कि कश्मीरियों को गले लगाने से सरकार को किसी ने नहीं रोका है और सरकार को इस नीति पर अमल करने की जरूरत है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार कश्मीर समस्या के समाधान की पूरी कोशिश कर रही है। How the Prime Minister puts this into action. These are wonderful sentiments and wonderful words. We are all for reaching out and, you know, embracing the people of Kashmir with love and affection. But if it has not happened yet, we would like to see it in action. गले लगाकर माहौल को ठीक करने का अर्थ सीधा सीधा है कि वो ताकतें जो ताकतें कि कश्मीर को प्रगति की मुख्यधारा से काटने में लगी हुई हैं, वो ताकतें जो ताकतें कि कश्मीर को बिखराव और टकराव के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ कश्मीर के लोगों को ही खड़ा होना होगा। पूरा देश खड़ा हुआ है उनके साथ और उनको शिकस्त देनी होगी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर दिए भाषण में प्रधानमंत्री ने अलगाववादियों को भी चेताया था। उन्होंने कहा था कि अलगाववादी घाटी में अशांति फैलाने के लिए अलग अलग पैंतरेबाजी अपनाते हैं, लेकिन सरकार का रुख इनसे निपटने को लेकर पूरी तरह से साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आतंकवादियों को फंडिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल कश्मीर की 12 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी श्रीनगर, हंदवाड़ा और बारामूला में की गई। उधर पाकिस्तानी सैनिकों ने लगातार चौथे दिन सीमा पार से गोलीबारी की। एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में 12 जगह छापेमारी की। अलगाववादियों के खिलाफ सख्ती बरतते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने श्रीनगर, हंदवाड़ा और बारामूला में छापेमारी की। एनआईए के मुताबिक आतंकी फंडिंग की जांच के दायरे में आए लोगों के साथ कथित रूप से जुड़ी जगहों पर ही छापेमारी की गई। एनआईए ने 24 जुलाई को 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन लोगों पर आतंकी फंडिंग और घाटी में अशांति को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एनआईए का मानना है कि घाटी में बड़े पैमाने पर राशि जमा की जा रही है, जिससे आतंकवादियों और अलगाववादियों को वित्त पोषण किया जा रहा है। उधर सीमा पार से गोलीबारी का सिलसिला जारी है। पाकिस्तानी सैनिकों ने बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास छोटे हथियारों, स्वचालित हथियारों और मोर्टारों से गोलीबारी की। भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। ये लगातार चौथा दिन है जब सीमा पार से गोलीबारी की गई। 13 अगस्त से अब तक पाकिस्तानी सेना ने कृष्णा घाटी, मनकोटे, नौशेरा और उत्तरी कश्मीर में 4 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। 12 अगस्त को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने कृष्णा घाटी और पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की थी। इसमें एक JCO और एक महिला की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में कल सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकी अयूब लेलहारी को मार गिराया। ये मुठभेड़ पुलवामा में हुई। लेलहारी लश्कर का रीजनल कमांडर था। वो शीर्ष आतंकियों की सूची में शुमार था। सुरक्षा बलों को एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अयूब लेलहारी वाज डिस्ट्रिक्ट कमांडर ऑफ LET एंड वन ऑफ द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट
has been just killed in Pulwama district, and it's a great success for the forces. अमेरिका ने कश्मीर में आतंक फैलाने वाले पाकिस्तानी आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन करार दिया। आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की ये बड़ी कामयाबी है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि उसने पाकिस्तान स्थित इस आतंकवादी संगठन को बैन कर दिया है। प्रतिबंध के तहत अमेरिका में हिजबुल मुजाहिदीन की संपत्ति को जब्त किया जाएगा और अमेरिकी नागरिकों के संगठन के साथ किसी प्रकार के संबंध रखने पर भी पाबंदी होगी। अमेरिका का कहना है कि इस तरह हिजबुल मुजाहिदीन पर प्रतिबंध लगाकर उसे आतंकी हमले करने के लिए धन जुटाने से भी रोका जा सकेगा। इसी साल जून में अमेरिका ने हिजबुल मुजाहिदीन सैयद सलाउद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। वो कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए जाना जाता है। घाटी में साल 1989 में ये संगठन सक्रिय हुआ था। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदिवासी आबादी, आदिवासी समाज, राज्यसभा टेलीविजन उठाएगा उनके मुद्दे, बनेगा उनकी आवाज। मैं भी भारत कार्यक्रम में हम देश की जनजातियों के बारे में जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बाहर जाए एक घर पर रे बसा बसिन पड़ावा, तो एक बाहर जाए क्या कमाए। मक्का और ज्वार काटने के बाद में मजदूरी के अलावा दूसरा कोई उपचार नहीं है। ये काम तो करवा देते लेकिन पिछले 5 साल के आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला। भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार भारत के आदिवासियों पर विशेष श्रृंखला मैं भी भारत। कर्क रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर नजर आने वाली 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक भूमध्य रेखा के समानांतर है ये काल्पनिक लकीर जो नहीं देती दिखाई। सीधी पड़ती है यहां सूरज की किरण, इसीलिए नहीं बनती किसी की परछाई। 21 जून को सूरज होता है इस रेखा के ठीक ऊपर, तब होती है एक खास बात। उत्तरी गोलार्ध में यह होता है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है ये रेखा। इसमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा। जेडीयू के बागी नेता शरद यादव आज दिल्ली में विपक्षी दलों के सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसमें कांग्रेस और वाम दलों समेत 18 विपक्षी दलों के बड़े नेताओं के शिरकत करने की संभावना है। बुधवार को शरद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि देश की साझा विरासत को बचाने और संवैधानिक अधिकारों को सुरक्षित करना इस सम्मेलन का मकसद है। हालांकि उन्होंने पार्टी से मतभेद या नीतीश कुमार को लेकर किसी भी सवाल के जवाब को देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि साझा विरासत देश के संविधान की आत्मा है और ऐसी बैठकें देश भर में होंगी। इस बीच खबर यह भी है कि जेडीयू की 19 अगस्त को पटना में होने वाली बैठक में शरद यादव के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया जा सकता है। जेडीयू पहले ही राज्यसभा में नेता के पद से शरद यादव को हटा चुकी है और उनके समर्थक एक सांसद समेत 21 नेताओं को निलंबित कर चुकी है। ये किसी के खिलाफ ने देश के हक में सम्मेलन बनाया, ये भारत के हक में है। हिंदुस्तान के 125 करोड़ दिन की बात कर रहे हैं लोग, उनके हक में ये आ तो सब रहे उसमें। मैंने सबसे बात की है, उसमें किसान आएंगे, आदिवासी आएंगे, उसमें दलित आएंगे। दिल्ली की बवारा विधानसभा सीट पर 23 अगस्त को चुनाव होना है, जिसके लिए तीनों ही प्रमुख दलों बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कमर कस। ग्रामीण क्षेत्र के तहत आने वाले इस विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी जरूरतों के से जुड़े तमाम मुद्दे हैं जो चुनाव में अहम हैं।
दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बवाना राज्य की 12 सुरक्षित सीटों में से एक है। आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश के पार्टी से बगावत करके इस्तीफा देने की वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। वेद प्रकाश को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी से रामचंद्र जबकि कांग्रेस से 3 बार के पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, उन्होंने दिल्ली की जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात कर अपनी नज़र पंजाब पर गड़ा दी। उन्होंने किसी विधायक को दिल्ली नहीं रहने दिया, किसी विधायक को दिल्ली का काम नहीं देखने दिया, केवल और केवल केवल पंजाब। बवाना दिल्ली का ग्रामीण इलाका है जहां अस्पताल और शिक्षण संस्थाओं की कमी के अलावा सड़कों की बदहाली बड़े चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने हाल ही में विकास के कामों के लिए 200 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इतनी हमारे यहाँ पर ग्राम सभा की जमीन, उसमें पार्क स्टेडियम बनाया जाए। यहाँ पर ना तो पार्क की सुविधा है, ना यातायात की सुविधा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है। कहीं पर जाकर देखो, जैसे हाँ किसी भी चीज को देखो, यहाँ पर है ही नहीं, कोई भी समस्या हल नहीं होती। यातायात से लेकर और पार्कों से लेकर किसी भी चीज की, या स्टेडियम वेटेडियम, कोई भी प्रॉब्लम हर चीज की हल होनी चाहिए। 2015 के विधानसभा चुनाव में बवाना से आम आदमी पार्टी को करीब 58% जबकि बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को करीब 8% वोटों से संतोष करना पड़ा था। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी का जादू बरकरार है। 43 नगर निकायों में से बीजेपी ने 26 सीटें जीती। कांग्रेस को 14 नगर निकायों में जीत मिली है। बीजेपी इसे नीतियों की जीत बता रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार से जनता उब गई है। मध्य प्रदेश में 43 नगर निकाय के चुनावों में बीजेपी ने 26 सीटें जीतकर दबदबा बरकरार रखा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जनता ने विश्वास जताया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो यह योजना है, जन कल्याणकारी और विकास के जो काम किए हैं, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं और संकल्प यही है कि जो विश्वास जनता ने व्यक्त किया, उस विश्वास को हम टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस को 14 नगर निकायों पर जीत मिली है। कांग्रेस ने नतीजों पर संतोष जताया है। पार्टी का कहना है कि जनता का बीजेपी सरकार से मोह भंग हो चुका है। ये भी स्पष्ट होता है नतीजों से कि अब मध्य प्रदेश की जनता इस सरकार से उब चुकी है और परिवर्तन की बयार मध्य प्रदेश में धीरे धीरे शुरू हुई है और उसका लाभ निश्चित रूप से आगामी दिनों में चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। 3 नगर निकाय निर्दलियों के खाते में गए। इन सीटों पर 11 अगस्त को मतदान हुआ था। अध्यक्ष पद के लिए 161 और पार्षद पद के लिए 2100 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थे। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नतीजों को कामकाज के मूल्यांकन के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर आज भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वो जनसंघ संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे का मकसद प्रदेश में पार्टी को और मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि अमित शाह लाल परेड ग्राउंड पर मेधावी छात्र सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुलाकात की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र भी उपराष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर खुशी जाहिर की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल बेंगलुरु में इंदिरा कैंटीन का उद्घाटन किया। राहुल गांधी ने कहा कि यहां लोगों को सस्ता और अच्छा खाना मिलेगा। कैंटीन में 10 रुपए में लोग खाना खा सकेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही ये कैंटीन कर्नाटक के दूसरे हिस्सों में भी शुरू होगी। We want the poorest person in Bangalore, the weakest person in Bangalore, we want him or her to feel that in this city they cannot go hungry.
सरकार ने कहा है कि अगर इंटरनेट साइट्स ब्लू व्हेल गेम से जुड़े लिंक नहीं हटाते तो उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कल ये बात कही। देश में इस गेम से बच्चों की आत्महत्याएं करने की खबरें आई हैं। जो ब्लू व्हेल गेमिंग को लेकर लोग सुसाइड कर रहे थे, हम लोग के पास बहुत शिकायत आई थी, इंक्लूडिंग फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो वी हैव टेकन अ वेरी टफ मेजर। Clear instructions have been issued to all the technology platform that they must be linked with this game immediately. Because under the Indian IT ecosystem, no initiative shall be permitted which provokes young boys to commit suicide. This is plainly unacceptable. सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में एक समिति गठित की है। समिति एसआईटी की ओर से 199 मामलों को बंद करने की जांच करेगी। समिति को 3 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके अलावा 42 बंद मामले भी समिति को सौंपे गए हैं। समिति में सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व जज शामिल हैं और मामले की अगली सुनवाई 28 नवम्बर को होगी। 24 मार्च को शीर्ष अदालत ने 199 मामलों की फाइलें मांगी थी। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ से हालात खराब हैं। बिहार में अब तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन लोग मदद नहीं मिलने की शिकायत भी कर रहे हैं। नेपाल से सटे अररिया जिले में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। जिले में कई सड़कें और पुल टूट गए हैं। लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। कुछ यही हाल अररिया से सटे पूर्णिया, मधेपुरा, किशनगंज और कटिहार का भी है। पीड़ितों का कहना है कि इस बार हालात 1987 से भी खराब है। 87 से बहुत अधिक मैंने पानी है इस बार, कि जिस घर में 87 में पानी नहीं पहुंचे थे, अभी उस घर में पानी मैंने जा करके घर मिट्टी वाला वगैरह सब कुछ गिर गए हैं। और खाने के लिए या आर्थिक के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है। प्रशासन यही है, यहाँ सब अपना आता है, अपन दिखाता है, आप भाग जाता है, खाली ब्लॉक में हाजिरी पुराता है, जाता है। बिहार के 13 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और शिवहर समेत कई जिले शामिल हैं। करीब 70 लाख की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। 1,61,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इनमें से करीब 86,000 को 343 राहत शिविरों में रखा गया है। राहत टीमें बचाव के काम में लगी हुई हैं। लोगों को रसद सामग्री पहुंचाना हो, दवाइयां पहुंचाना हो, उसमें भी राज्य सरकार की हम मदद कर रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब होने के कारण वहां पर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी अधिकारी, सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम लोग और बाढ़ का मुकाबला कर रहे हैं, तो यह प्रशंसनीय कदम है। और अब एयर ड्रॉपिंग भी प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन कई जगह मौसम खराब होने के कारण एयर ड्रॉपिंग भी नहीं हो पा रही है। उत्तर बंगाल के भी 5 जिलों में करीब 1 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। राज्य के जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में हालात सबसे ज्यादा खराब है। मंगलवार को बारिश नहीं होने से अधिकतर नदियों में पानी घटा है। असम में हालात में मामूली सुधार हुआ है। हालांकि 25 जिलों के 32 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी हालात चिंताजनक हैं। राज्य के 7 जिले बाढ़ से पीड़ित हैं। भूस्खलन से कई जगह यातायात बाधित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने महाराजगंज, बलरामपुर, कुशीनगर, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर के अधिकारियों को राहत और बचाव काम तेज करने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार और पूर्वोत्तर भारत में बारिश और बाढ़ से आम जनजीवन के अलावा रेल यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। हालात को देखते हुए पूर्वोत्तर जाने वाली सभी ट्रेनों को 20 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के पीआरओ प्रणव ज्योति शर्मा के मुताबिक रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को निर्देश दिए हैं कि कोई भी ट्रेन कटिहार के मालदा से आगे नहीं जाएगी। पूर्वोत्तर के अलावा रेल यातायात से बिहार और पश्चिम बंगाल में भी बाधित है रेल यातायात। और रेलवे अधिकारी के मुताबिक कई जगहों पर जलस्तर अभी भी काफ़ी ऊपर है। डालखोला, टेल्टा, सुधनी, बरसोई, रायगंज और बलूरघाट में मरम्मत का काम जारी है। बोल्डर और दूसरी चीज़ों का इंतजाम किया जा रहा है। जल्द से जल्द आवागमन शुरू करने की कोशिशें की जा रही हैं।
नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 120 तक पहुंच गई है। यहां करीब 60 लाख लोग पीड़ित हैं। 2800 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। नुकसान के आकलन के लिए गृहमंत्री की अगुवाई में एक समिति बनाई गई है। राहत और बचाव के कामों में करीब 27,000 सुरक्षा बलों को लगाया गया है। बीते 5 दिनों से नेपाल में भारी बारिश हो रही है। चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ और पत्थरबाजी की घटना की जानकारी से इनकार किया है। दरअसल ऐसी खबरें आई थी कि मंगलवार को चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील में घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि आईटीबीपी जवानों ने इसे नाकाम कर दिया और चीनी सेना पीछे हटने को मजबूर हो गई थी। बुधवार को चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से ये सवाल पूछा गया था। प्रवक्ता ने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार किया। भारतीय ज्ञानपीठ की मासिक आयोजन श्रृंखला वाक के तहत आचार्य शिव पूजन सहाय और पंडित राहुल सांकृत्यानंद के विषय में संवाद किया गया। इसके अलावा हिंदी कविता के शीर्ष हस्ताक्षर रहे चंद्रकांत देवताले की खूबियों पर प्रकाश डाला गया। भारतीय ज्ञानपीठ ने हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह पंडित राहुल सांकृत्यायन को उनके योगदान के लिए याद किया। हिंदी के प्रतिष्ठित समीक्षक और लेखक प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने राहुल सांकृत्यायन को भोजपुरी रत्न बताते हुए भोजपुरी में लिखे गए उनके नाटकों का जिक्र किया। राहुल जी पर जितनी किताबें मैंने लिखी हैं उसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि राहुल जी भोजपुरी में कविता भी लिखते थे। उनके 8 नाटक हैं। 8 नाटकों में जितने गीत हैं वो सब भोजपुरी के हैं और सब राहुल जी के लिखे हुए। इस साल प्रसिद्ध उपन्यासकार आचार्य शिवपूजन सहाय की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। कार्यक्रम में उनकी देसी जीवन शैली को रेखांकित किया गया। उनकी लेखनी में ग्रामीण जीवन की चिंता को लेकर भी साहित्यकारों ने अपने विचार रखे। शिव पूजन जी ने तो बाबू राजेंद्र प्रसाद से लेकर जाने कितने साहित्यकारों की किताबों का, उनकी भाषा का, उनकी शैली का पुरस्कार किया, उनको पुनर्जीवन दिया। कार्यक्रम में भारतीय मुसलमान इतिहास का संदर्भ और गुरुवर बच्चन से दूर किताब का लोकार्पण भी किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ हिंदी जगत की महान विभूतियों को इस श्रृंखला के तहत याद करती है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। न्यू इंडिया के लिए 200 से ज्यादा युवा उद्यमियों से रूबरू होंगे प्रधानमंत्री। कारोबार की प्रक्रिया आसान बनाने के उपायों पर होगी चर्चा। कौशल विकास पर होगा खास ध्यान। नई मेट्रो रेल नीति को कैबिनेट से मंजूरी। देशभर की परियोजनाओं के लिए समान मानक। निजी निवेश से जुटाई जाएगी राशि। दिल्ली में साझा विरासत बचाओ सम्मेलन आज। शरद यादव की अगुवाई में 18 विपक्षी दल होंगे शामिल। राहुल गांधी और सीताराम येचुरी समेत कई दिग्गज नेता कर सकते हैं शिरकत। बिहार में बाढ़ से भारी तबाही। 14 जिलों में 96 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। 20 अगस्त तक पूर्वोत्तर जाने वाली ट्रेनें रद्द। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन घोषित। किसी तरह के संबंध रखने पर होगी पाबंदी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं विशेष। नमस्कार।